नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार जैन है। आईएएस स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको हम बता दें कि आज का जो वीडियो है वो है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। सामान्य ज्ञान के लगभग 110 या 15 क्वेश्चनों का संकलन यहां पर किया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली भी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से जो है प्रश्न बनेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी और आप उस वीडियो को देखकर लाभ ले सकती हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपको हम बता दें कि जो वीडियो के नीचे घंटी का निशान दिया होगा उस पर क्लिक जरूर करें। उससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन की घंटी आपके मोबाइल पर जरूर बजेगी। दोस्तों, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, घंटी पर क्लिक कर दिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1905 में पूसा समस्तीपुर बिहार नामक स्थान पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कब की गई? 1905 में पूसा समस्तीपुर बिहार नामक स्थान पर। बिहार में क्या है? पूसा समस्तीपुर नामक स्थान है जहां पर 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में अपनी जीविका हेतु कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या है? तो इसका उत्तर होगा 52% जो जीविका चलाने वाले हैं, जीविका जिनकी जीविका का एकमात्र साधन है जैसे कि कृषि, अर्थात कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? 52% है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है? तो इसका उत्तर होगा 13.9% लगभग कृषि का योगदान है। और अगला क्वेश्चन होगा, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर होगा 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, सॉरी विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे। नॉर्मन बोरलॉग साहब, इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति 1967-68 के जन्मदाता कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन साहब, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति कब आई थी? 1967-68 में आई थी और सर्वप्रथम पंजाब राज्य में आई थी। और हरित क्रांति से किस फसल, कौन सी फसल है जो सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? तो इसका उत्तर होगा गेहूं। और हरित क्रांति परिलक्षित हुआ था, तो इसका उत्तर होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति का उदय कब हुआ? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का उदय हुआ। हरित क्रांति आने से हमारे देश की जो है कृषि का उत्पादन बढ़ा और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कृषि को अपना जीवन, अपनी जीविका बनाया और बहुत उत्पादन भी किया। नेक्स्ट है, गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो इसका उत्तर होगा 42। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। और भारतीय गन्ना शोध संस्थान है? तो इसका उत्तर होगा कोयंबटूर में भारतीय गन्ना शोध संस्थान की स्थापना की गई। और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है? तो इसका उत्तर होगा राजमुंद्री, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कटक, उड़ीसा में केंद्रीय चावल शोध संस्थान की स्थापना की गई। उड़ीसा में सर्वाधिक जो है चावल का उत्पादन होता है। और एक और तथ्य है कि उड़ीसा में ही सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना है, जो कि मध्य प्रदेश से जिसका उद्गम स्थल है महानदी का, उस महानदी पर हीराकुंड बांध है जो कि सबसे लंबा बना हुआ है। और चावल का जो शोध संस्थान बनाया गया है वो भी कहां बनाया गया है? कटक, उड़ीसा में। भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है भारत में। और बगीचों का शहर कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कि केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है? तो इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़ों को कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोकून। चाय तथा कॉफी में पाया जाने वाला पदार्थ? तो उत्तर होगा क्रमशः थीन तथा कैफीन,
चाय में पाया जाने वाला पदार्थ है। यूरिया में नाइट्रोजन स्थान में वसा की मात्रा होती है, तो इसका उत्तर क्रमशः 46 तथा 99% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की होती है 46 और वसा की जो मात्रा होती है वो होती है 99%। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 46% जो है पाया जाता है, कहाँ में पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन सबसे बड़ी व्यापारिक जो है फसल मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है, वो मानी जाती है मध्य प्रदेश सोया स्टेट की मानी जाती है। सोयाबीन के अधिकतर उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है दोस्तों। और जो सोयाबीन का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, वो होता है उज्जैन में। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो बनाया गया है वो बनाया गया है इंदौर में, इंदौर में बनाया गया है। और चावल को पॉलिश करने में नष्ट हो जाता है, तो इसका उत्तर होगा थाइमिन B1 चावल को पॉलिश करने में जो है नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, थाइमिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का संबंध है, तो इसका उत्तर होगा मधुमक्खी पालन तथा रेशम उद्योग से है एपीकल्चर तथा सेरीकल्चर का। एपीकल्चर का मधुमक्खी से और सेरीकल्चर का संबंध है रेशम उद्योग से। नेक्स्ट है, पीली क्रांति तथा भूरी क्रांति संबंध है, तो इसका उत्तर होगा तिलहन तथा उर्वरक उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन और उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति तथा गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा मत्स्य तथा झींगा उत्पादन से है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं जनरल नॉलेज के, और उनमें से कुछ क्वेश्चनों को इस वीडियो में भी रिपीट किया गया है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्या है याद हो जाए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो जो है उपलब्ध है इससे पहले। और धान नीली क्रांति का जो संबंध है वो है मत्स्य उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो है झींगा उत्पादन से। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है, तो इसका उत्तर जस्ता की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई है 1970 ईस्वी में, और पाश्चरीकरण क्रिया में दूध को रखा जाता है, तो इसका उत्तर है 62 अंश पर 30 मिनट तक रखा जाता है पाश्चरीकरण क्रिया में। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल का वीर्य को रखा जाता है, तो इसका उत्तर द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है कृत्रिम गर्भाधान के लिए। ऑपरेशन फ्लड तथा रजत क्रांति संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा डेयरी विकास तथा अंडा उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम चला था वो डेयरी विकास से था, और अंडा उत्पादन जो है वो रजत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है, तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका उत्तर है गौंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति निवास, भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। गारो खासी जयंतिया प्रमुख जनजातियां हैं, तो इसका उत्तर होगा मेघालय की। अगला क्वेश्चन है, गरासिया सहरिया प्रमुख जनजातियां हैं, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान की, और गुर्जर गद्दी लाहौली किन्नौरी जनजातियां हैं, तो इसका उत्तर होगा हिमालय क्षेत्र से जो है जुड़ी हुई हैं गुर्जर गद्दी लाहौली किन्नौरी जनजातियां। नेक्स्ट है, कुकी नागा और मैठी आदिम जनजातियां हैं, तो इसका उत्तर होगा मणिपुर की ये जनजातियां हैं। कुकी नागा मैठी आदि पूछा जाता है परीक्षाओं में कि नागा कहाँ की जनजाति है, तो इसका उत्तर होगा मणिपुर की जनजाति है। लेप्चा जनजाति का संबंध है, तो इसका उत्तर होगा सिक्किम से। लेप्चा जनजाति का संबंध कैसे है, सिक्किम से है। नेक्स्ट, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, तो इसका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, तो इसका उत्तर होगा 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई। और बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है, तो इसका उत्तर है सैमसन, बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र माना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक थे, तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक माना जाते हैं। और पारसी धर्म के संस्थापक थे, तो इसका उत्तर होगा जरथुस्ट पारसी धर्म के संस्थापक थे। अमृतसर शहर की स्थापना की थी, तो इसका उत्तर होगा गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, और स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, गुरुमुखी भाषा को बनाई थी, तो इसका उत्तर गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी भाषा को बनाया था। और सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो इसका उत्तर होगा पटना में। सिखों के जो गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म हुआ था पटना में। और आयुर्वेदिक औषधि का जनक कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा त्रे ऋषि को आयुर्वेदिक औषधि का जनक माना जाता है। और भारत में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो इसका उत्तर होगा नागालैंड एवं मिजोरम राज्य में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था, तो इसका उत्तर होगा 1955 में राजभाषा आयोग का प्रथम गठन किया गया था। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका उत्तर होगा बीजी खेर साहब जो थे वो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। और हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा राधे लाल द्विवेदी हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन होगा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान स्थापित है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसका उत्तर होगा चिल्का झील, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, चिल्का। नेक्स्ट है उड़ीसा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी, उड़ीसा में सॉरी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। यहाँ उड़ीसा जो है वो चिल्का झील का आ गया है यहाँ पर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, जो कि कहाँ पर है, रूस में है कैस्पियन सागर। और भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी ताजे मीठे जल की झील है, तो इसका उत्तर होगा बोलर झील, जो है ताजे और मीठे जल की झील मानी जाती है। बोलर झील भारत की सबसे बड़ी है और जम्मू कश्मीर विश्व की सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर में है, जो कि बुलर झील। और विश्व की सबसे बड़ी ताजी मीठे जल की झील है, तो इसका उत्तर होगा सुपीरियर झील, जो कि कहां पर है, अमेरिका में। भारत में मीठे जल की और ताजे मीठे जल की मानी जाती है बुलर, और विश्व की मानी जाती है सुपीरियर झील, जो कि कहां पर है, अमेरिका में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसका उत्तर होगा गोविंद सागर झील, जो है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा बैकाल झील, जो कि रूस में है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसका उत्तर होगा बोलगा झील, जो कि घाना में है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो इसका उत्तर होगा थार मरुस्थल राजस्थान में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो इसका उत्तर होगा सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, जो कि कहां पर है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, तो इसका उत्तर होगा टेहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, उस उत्तर है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, तो इसका उत्तर होगा रोगन बास्की तजाकिस्तान रूस में है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका उत्तर होगा जोग या गरसोप्पा सरावती नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो इसका उत्तर होगा एंजल जलप्रपात, जो कि कहां पर है, वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। भारत की सबसे लंबी नहर है, तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है और राजस्थान की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इसका उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा भारत में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो इसका उत्तर होगा नील नदी, जो कि मिस्र में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है और विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका की। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी नदी है, तो इसका उत्तर होगा डी नदी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व की सबसे छोटी नदी मानी जाती है और विश्व का सबसे बड़ा नहर है, तो इसका उत्तर होगा स्वेज नहर, विश्व की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसका उत्तर होगा माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, जो कि भारत में असम में ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। पूछा गया बार बार परीक्षाओं में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका उत्तर होगा एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। और सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है, तो इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा है और सबसे गहरा सागर माना जाता है, महासागर माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो इसका उत्तर होगा आर्कटिक जो महासागर है, वो विश्व का सबसे छोटा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, तो इसका उत्तर होगा रूस, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, तो इसका उत्तर होगा वेटिकन सिटी। और परमाणु खनिज विभाग स्थित है, तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में परमाणु खनिज विभाग स्थापित किया गया है। लेबनान की राजधानी है, तो इसका उत्तर होगा बेरूत, इसकी मुद्रा है पाउंड। लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत, इसकी मुद्रा क्या है, पाउंड। इसको कैसे याद रख सकते हैं, लेबनान। तो किसी ने गर्मी में कहा कि ले बनियान, तो उसने कहा कि बेरुत, बेरुत मतलब हो जाता है कि बनियान पहनने की कोई रुत नहीं है, ऋतु नहीं है, तब हम बनियान क्यों लें। तो लेबनान की जो राजधानी होगी वो होगी बेरुत, बेरुत क्यों लें हम बनियान। तो मुद्रा, इसकी जो मुद्रा होगी वो होगी पाउंड, क्योंकि जो बनियान है वो कितने में आ रही है, पाउंड में आ रही है। तो लेबनान की राजधानी बेरुत, मुद्रा पाउंड।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है तो इसका उत्तर होगा शक्ति स्थल नई दिल्ली में है, जो कि क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत ही शक्तिशाली महिला थी तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या कहलाएगा, शक्ति स्थल कहलाएगा, जो कि कहाँ है, नई दिल्ली में स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है इजराइल की संसद को कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा नीसेट, और इसकी जो राजधानी है वो है जेरूसलम। इसराइल की संसद नीसेट, राजधानी जेरूसलम है। बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश की संसद कहलाती है जातीय संसद, और जो है यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। अब यहाँ की जातीय संसद क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश में जातीय विवाद ज्यादा रहते हैं, जातीय विवाद हमेशा बने रहते हैं बांग्लादेश में, तो यहाँ की संसद का नाम क्या होगा, जातीय संसद होगा, और यहाँ की मुद्रा क्या होगी, टका। टका है यहाँ पर, जातीय जो विवाद बने रहते हैं वो टका के चक्कर में बने रहते हैं, तो यहाँ की संसद को जातीय संसद और टका के चक्कर में ये जातीय विवाद बने रहते हैं तो टका। हॉकी का जादूगर कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्यान से जो खेलेगा वो हॉकी का क्या बन जाएगा, जादूगर बन जाएगा, तो हॉकी का जादूगर कौन होगा, ध्यानचंद। दीन बंधु कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु। नेक्स्ट है पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद को कहा जाता है तो उत्तर होगा नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान एवं फ्रांस की संसद को, और यहाँ की जो मुद्रा है क्रमशः पाकिस्तान की रुपया है और फ्रांस की क्या है, फ्रैंक है। नेक्स्ट विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 8 मार्च, 8 मार्च अर्थात 8 जो है वह महिलाओं का लकी नंबर होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है इस दिन 8 मार्च को। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है तो इसका उत्तर होगा व्हाइट हाउस वाशिंगटन में है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है, निवास स्थान है। अंतारा न्यूज एजेंसी है तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया की, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया अंतारा न्यूज एजेंसी है तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया की। बंगाल का आतंक कहा जाता है तो इसका उत्तर होगा जलकुंभी के पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। लिब्रहन आयोग का संबंध है तो इसका उत्तर होगा बाबरी मस्जिद जो है उसका संबंध है लिब्रहन आयोग से। नेक्स्ट है जापान का राष्ट्रीय पशु है तो इसका उत्तर होगा आइबिस, जापान का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। और शहीद दिवस एवं कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 30 जनवरी को शहीद दिवस एवं कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ओकाई परियोजना स्थित है तो इसका उत्तर होगा ताप्ती नदी पर ओकाई परियोजना है, ताप्ती नदी पर क्या है, ओकाई परियोजना है। जब ताप्ती अर्थात जो आपके शरीर का अगर ताप बढ़ जाए, बुखार आ जाए तो आपको क्या होता है, ओकाई आने लगती है, उल्टी होने लगती है, तो ताप्ती नदी कहाँ है, ओकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनी है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं 12 जनवरी को। रूप से स्टेडियम स्थित है तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर में, रूप से स्थित है कहाँ है, ग्वालियर में है। अब ग्वालियर में है क्यों है, ग्वालियर में साहब ग्वालिया किसे कहते हैं, हम श्री कृष्ण को ग्वालियर कहते थे क्योंकि ये क्या चलाते थे, गाय चलाते थे, तो ग्वालियर। और इनका जो रूप था बहुत अच्छा था, कौन का, श्री कृष्ण का, तो रूप से स्टेडियम कहाँ है, ग्वालियर में, क्योंकि ये क्या चलाते थे, गायें चलाते थे। तो आयरलैंड की राजधानी है, हम इसको याद कर रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो रूप से स्टेडियम कहाँ होगा, ग्वालियर में है, और आयरलैंड की राजधानी है तो इसका उत्तर होगा डबलिन, मुद्रा है पाउंड, डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, कि क्या है, डबलिन है, और मुद्रा यहाँ की पाउंड है। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं, आयरलैंड जो है, आयरलैंड जो है, लैंड मतलब होता है देश, और आयर जो है क्या होता है, आयर मतलब एक देश, क्या करना चाहता है, डबल देश, आयर मतलब एक और आ जाए तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आयरलैंड की जो राजधानी होगी वो होगी डबलिन, डबलिन क्यों होगी डबलिन, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, आयरलैंड, आयर एक और जो लैंड आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो डबल से क्या बना, डबलिन। और यहाँ की मुद्रा है पाउंड, पाउंड क्यों है, क्योंकि एक जो पाउंड में ही दूसरा देश आ सकता है, डबल हो सकते हैं, तो यहाँ की राजधानी डबलिन और मुद्रा है पाउंड। निशांत बाग तथा शालीमार बाग स्थित है तो इसका उत्तर होगा श्रीनगर में, निशांत बाग और शालीमार बाग स्थित है। ईरान की राजधानी है तो इसका उत्तर होगा तेहरान,
मुद्रा है रियाल, ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा रियाल है। और बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है तो इसका उत्तर होगा स्पेन का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन, 1946 की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन हुआ था तो इसका उत्तर होगा जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का पुनर्गठन 3 जून 1947 को विभाजन के बाद हुआ था तो इसका उत्तर होगा 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी तो इसका उत्तर होगा 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। और संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे तो इसका उत्तर होगा 284 सदस्यों के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर हुए। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे प्रथम बैठक की गई जिसके की अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी उसके उसमें जो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था संविधान सभा का। और ओजोन परत हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है तो इसका उत्तर होगा पराबैंगनी विकिरणों से ओजोन परत जो है हमें संरक्षण प्राप्त करती है। अगर ओजोन परत ना हो तो सूर्य से आने वाले जो भी पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर जैसी महा बीमारियां का सामना हमें करना पड़ेगा। और आजकल जो है ओजोन परत में छिद्र भी होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है इसके कारण जो है ओजोन परत में क्या हो रहा है, छिद्र हो रहा है, जिसके कारण कैंसर जैसी बहुत बड़ी बीमारियों का क्या है बड़ी है कैंसर जैसी बीमारी। और खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है तो इसका उत्तर तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में है खेतड़ी। और भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है तो इसका उत्तर होगा अंबाला में। भारत का जो सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म स्थित है तो वो है अंबाला में। लिंबाराम का नाम किससे जुड़ा है तो इसका उत्तर होगा धनुर्विद्या से जुड़ा है लिंबाराम का नाम धनुर्विद्या। बारूद का आविष्कार किसने किया था तो इसका उत्तर होगा रोज बेकन साहब ने बारूद का आविष्कार किया है। और जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान है तो इसका उत्तर होगा क्या होता है, बढ़ता है जी का मान। भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। और भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग हमने 118 क्वेश्चनों को यहाँ पर देखा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप कौन से क्वेश्चन देखे और पढ़े तो आपको खुद लगा होगा कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आने वाली जितनी भी परीक्षाओं हैं उनमें जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह जुड़े रहें और आगे आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें, आपके मोबाइल में घंटी जरूर बजेगी। दोस्तों जय हिंद।